जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस, एग्ज़ाम के बाद आज पहला दिन है क्लास का, और आज हमने खेलने भी जाना था तो वो कैंसिल हो चुका है। ये पूरी यूनिवर्सिटी के बच्चे कोई भी नहीं जा रहा बाहर खेलने के लिए। पहले हमने फीस वीस सब भर दी थी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो अब कैंसिल हो गया तो पैसे रिफंड हो जाएंगे। और पहली क्लास थी वो हुई नहीं, दूसरी में हम लेट हो गए और तीसरी अब स्टार्ट होने वाली है तो जा रहे हैं। तो और 12 बजे एक सेशन है, उस सेशन के बाद शायद कोई क्लास ना हो। तो क्लास नहीं हो, क्लास तो होनी नहीं थी, पता नहीं क्या हो गया। आज फ्राइडे है, वैसे भी कल और परसों फिर छुट्टी है। और मंडे से गाइस एनएसएस का कैंप है, तो अब देखो वो लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, क्योंकि अटेंडेंस की दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हफ्ता क्लास नहीं जा पाएंगे उसमें, और एक मिनट भी फ्री नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। जो भी होगा कैंप में सुबह से लेकर शाम तक, वहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, गेम्स होती है, बहुत कुछ होता है। मैं पिछले साल मैंने लगाया नहीं था, लगाना था, तो अब देखो क्या होता है कैसे होता है। जो भी होगा हम आपको बता देंगे, आप देख लेना। अगर गए तो मज़ा आएगा व्लॉग्स में, नहीं तो फिर वही जिंदगी देखना हमारी अकॉर्डिंगली और हमारी सोच के अकॉर्डिंगली नहीं होता। सो नॉर्मली वी हैव डिफरेंट ग्रुप, फॉर एग्जांपल आई शोड यू अमृतसर फाउंडर्स, उसमें क्या है, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स डूइंग डिफरेंट। गाइस आज खाने में दे रखा था इन्होंने छोले पूरी और दही और सलाद वगैरह थी, तो बस यही था आज खाने। सो दोस्तों रूम पे आ चुके हैं, और अभी हमारा एक सेशन था वो भी लगाया, फिर खाना खा के फिर ग्रुप फोटो वगैरह थी जो हमारी डिग्री में लगनी है और मस्त सी फ़ोटो खिंचाई, और भाई को गंजी में ही खिंचानी पड़ी बनियान में खिंचवाने गया था भाई फ़ोटो, क्योंकि इसकी टी शर्ट वो ले गया ऋषभ। नहीं नहीं, अभी मेरे पास है, ऋषभ भर गया। ऋषभ भर गया वो? अच्छा, अभी इसके पास है टी शर्ट तो बच गया बेचारा, नहीं तो बनियान में जाना पड़ता। और इनके वहाँ बनियान को गंजी बोलते हैं, तो देख लेना थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। ये गाइस ये आम बनियान नहीं है, ये इंटरनेशनल से मंगाई हुई है, इंपोर्ट कराई है इंटरनेशनल, रशिया से इंपोर्ट कराई है भाई ने, वो भी पता है क्या, खरीदी नहीं है, किसी की चोरी करवा के इंपोर्ट कराई है वहाँ से, तभी तो। गाइस मौसम देखो यहाँ का कितना ज़बरदस्त हो रहा है, और पहाड़ वाली साइड तो और तेज़ बारिश हो रही है, इस साइड भी बारिश हो रही है, लिटल 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 नहीं, अभी बहुत तेज़ होगी। और बाइस बाहर जा, ओ बाइस बोल रहा हूँ, गाइस बाहर जा रहे हैं अभी हम बारिश में, और चलते हैं नीचे जाके दिखाते हैं, उधर देख लो पहाड़ पे। ओए होए देख रहे हो कितना मस्त मौसम हो रहा है, ये है हिमाचल। ये देखो गाइस छतरी लेके निकल चुके हैं हम बाहर घूमने के लिए, घूमने की डैडी के। ये देखो ये भाई भीगना चाहता है, क्योंकि इस भाई को कूल बनना है इस भाई को, और किसको पता नहीं है एक बार ये भीग गया तो फिर इसके साथ क्या होगा, क्या होगा, कपड़े भी लूंगा, बुखार भाई, दवाइयां भी चाहिए। अच्छा ये देखो गाइस, ये ऐसी कुछ रोड है, और ये गर्ल्स हॉस्टल भाई, पूरे हिमाचल की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, लेकिन एक सबसे ख़राब बात बताओ तो पूरे हिमाचल का सबसे ख़राब रोड गई। ओए होए ओए, इस पेड़ को क्या हो गया, पर्पल वाले को बेचारा, बारिश के आगे कोई पेड़ नहीं टिक पाता। भाई हॉस्पिटल गया नहीं एम्बुलेंस में, हाँ भाई जान निकल जाएगी रास्ते में, ऐसा रोड बना रखा है, दो बार उल्टी हुई भाई, इतना बार प्रेशर आ रहा पेट। तेरे को पिंजौर वाली तरफ से नहीं लेके गए थे? अरे पिंजौर वाला रास्ता ठीक है इससे, तो भाई रास्ता बंद पड़ा था, चलते हैं अभी, इसका फोन के पैसे लेने हैं और देखते हैं कुछ खा भी लेंगे। तो गाइस ये देखो, ये हमारा बच्चा पढ़ रहा है, और बाहर का नज़ारा देखो भाई, इतनी बारिश नहीं देखी होगी जितनी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और बहुत तेज बारिश हो रही है। ओए पागल है क्या, ये देखो भाई, कल की यूनिवर्सिटी, हाँ पूजा पूजा
ये देखो दोस्तों, अगर आप यहाँ आओगे तो आपको ऐसा नज़ारा मिलेगा, पर अगर ये ज़्यादा हो जाती है तो बाढ़ भी आ जाती है। ये ग्राउंड फिर स्विमिंग पूल बन जाते हैं। हाँ हमने देखा है वो नज़ारा भी, देख लो दोस्तों। ये देखो इनको अभी भी चैन नहीं है, बारिश में भी घूम रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो भाई वो डेडिकेशन देखो, ये है डेडिकेशन भाई। इनसे सीखना पड़ेगा भाई कुछ, रखे तो सीख इनसे कुछ डेडिकेशन, देख रहा है ओए पागल है। देख लो गाइस इतनी जबरदस्त, और कल से हमारा कैंप भी है, मजा आएगा कैंप में एकदम। आज के लिए इतना ही, अभी आपसे थोड़ी देर में दरखास्त होगी। देखो गाइस कमरे में लीकेज, कुछ ज्यादा ही बारिश हो रही है कमरे में ली। ओए बच्चे भीग रहे हैं भाई, ये देखो, देख लो दोस्तों, देख लो कितनी बारिश है। ये देखो छाता लेके घुस रहा है बालकनी में, इतनी लीकेज है यहाँ पर। इसके जूते भीग गए, कल क्या डालेगा कैंप में। और ये भाई पेपर खत्म होने के बाद फट रहा है भाई वाला, इतनी डेडिकेशन चाहिए बस। दे यस, ओ 75 करोड़ की बनियान, तू ऐसे फेंक रहा है, शर्म नहीं आ रही तुझे खुद साले। तो 75 करोड़ का है नहीं, बनियान खरीद ली तूने 75 करोड़ की। तो गाइस तुम्हारे भाई ने बनाई है वेबसाइट चितकारा स्कूल की, कहाँ है ये रही, ये देख रहे हो गाइस, चितकारा स्कूल की वेबसाइट बनाई है। इसमें स्टूडेंट लिखेंगे, ये फैकल्टी ऐड हो सकती है, कौन है कौन नहीं है, और एकेडमिक्स ईयर, कौन से ईयर में हुआ है, क्या हुआ है, कितने हुए हैं, और लेवल और सेक्शन, और बाकी सिस्टम सेटिंग्स। ये जो ये लोगो है, यहाँ से लोगो चेंज हो सकता है, और स्कूल नेम वगैरह वगैरह। और अगर मैं इसको लॉग आउट कर दूँगा तो ये ऐसे हो जाएगा, अब मेरा आईडी पासवर्ड डलेगा तब लॉग इन होगा। देख रहे हो ये PHP का प्रोजेक्ट है हमारा, और इन भाई साहब ने बनाया है टू डू लिस्ट। वाह यार राकेश इतना प्रोग्रेस। तो दोस्तों आज का व्लॉग यही एंड होता है, और कल से हमारा NSS का कैंप है। अभी थोड़ा मन में डाउट है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि अगले हफ्ते लैब की कॉपी चेक होनी है, लैब के वो हैं क्या कहते हैं टेस्ट वगैरह है। तो अगर गए तो 7 दिन के लिए छुट्टी हो जाएगी, मतलब उसकी अटेंडेंस मिल तो जाएगी, बाद में हो जाएगा पेपर पर, फिर बाद में लोड रहता है कि ये है वो है। तो देखते हैं, वैसे तो 99% जाए, 1% है कि ना जाए, तो बता देंगे कल। तो बस गाइज आज का व्लॉग यही एंड होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मुझे इंस्टा फॉलो करना। बस गाइज अब आपसे कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में, जय माता दी।